अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तालाब में नाव डूब जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक पारिवारिक समारोह में आए थे, जिनमें से 4 लोग तालाब पार कर दूसरी तरफ घूमने के लिए चले गए। वापस आते समय नाव अचानक तालाब में पलट गई, जिसमें 3 लोग डूब गए, लेकिन एक युवक तैरकर बाहर निकल आया, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। जब तक स्थानीय लोग पहुंचे, तब तक उन लोगों की मौत हो गई थी। हम लोग खाओ के घूमने के लिए, उसके बाद घूमते घूमते यहाँ और उसके बाद वहां से वापस आ रहे थे 4 लोग। उसके बाद ना यहीं पर डूब गई तो सब लोग अपन पौड़ने लगे, चिल्लाओ चिल्लाओ बचाने के लिए, सब लोग बचाओ 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 सब लोग चिल्ला रहे थे चारों। हाँ, और हम इधर तब लग्गा से धीरे 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 इधर किनारे आए, किनारे आके तब उधर गए मुर्गी जो फार्म है उस पे जो बताए। बरक्षा रहा यहाँ प्रोग्राम बरक्षा का, क्या हुआ फिर? तो इसके बाद जो है यहाँ प्रोग्राम चल रहा था और 2-3-4 लोग चले गए जो है तालाब के उस पार, वहाँ से लौटते समय जो है नाव डूब गई। एक लड़का तो उसमें से भाग के चला आया किसी प्रकार तैर करके, 3 डूब गए। बॉडी कैसे निकली, कैसे किस किस से? बॉडी बड़े मशक्कत से जो है रात में खोजे, फिर सुबह में खोज रहे थे नाले करके, अभी अभी बॉडी मिली है। वहीं सीओ ने बताया कि 3 शवों को तालाब से निकाल लिया है और 3 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव में किसी के यहाँ फंक्शन था और ये लोग तालाब की तरफ 3 लोग गए थे और इनके साथ एक और आदमी था, मतलब कुल 4 लोग गए थे। इतने साथ 4 लोग तालाब की तरफ गए थे, नाव से कहीं आ रहे थे उधर से, और वहां पे इनकी डूबने से मृत्यु हो गई। इन चारों में से एक सुजीत निषाद जो कि किसी तरह तैर के पार हो गए। बड़ी दर्दनाक घटना थी, एक साथ 3 लोगों का मरना। आवश्यक कार्रवाई करके डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और उचित कार्रवाई जो भी आवश्यक कार्रवाई हो। फिलहाल गांव में हुई घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है, साथ ही प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवारों को मदद का भी आश्वासन दिया गया है। 3 लोग गए थे। अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट।